नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। एंटी नारकोटिक सेल को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बताना चाहेंगे। 7 लाख, जी हाँ, 115 ग्राम हीरोइन के साथ एक युवक जो कि बलोली का रहने वाला था और ऐसे में अपने आसपास चचरौली के इलाकों में स्मैक हीरोइन बेचने का कार्य करता था, नशे का कारोबार करता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो एंटी नारकोटिक सेल है, जिसे एक गुप्त सूचना मिलती है, जिसके बाद एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया जो कि एक टीम का गठन करते हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति पर अपना सिकंजा कसते हैं। बताना चाहेंगे 115 ग्राम हीरोइन के साथ उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर 2 दिन के रिमांड पर भेजा जाएगा। उसे जांच की जाएगी कि वो किन से स्मैक जो है लेकर आता था, हीरोइन लेकर आता था और न जाने आगे कहां कहां पर उसको बेचता था। उसकी जो कड़ी है उसको जानने का प्रयास किया जाएगा। मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एसपी मोहित हांडा जी के नेतृत्व में जो हमारा प्रशासन है जो कि अच्छे कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, आइए एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं डीएसपी राजीव सिंह से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जो एंटी नारकोटिक सेल को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 लाख की हीरोइन जो कि आरोपी समेत पकड़ी गई है। तो साथियों, आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास चचरौली एरिया से पिछले काफ़ी समय से कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पे नशे का जो कारोबार है वो फैलता जा रहा है। तो उसी पे हमने इंटेलिजेंस जनरेट करके एक रमनजीत नाम का व्यक्ति है, रमनजीत सन ऑफ गुरदीप, ये बलोली गांव का रहने वाला है, चचरौली एरिया में पड़ता है, इसको कल रात गिरफ्तार किया है। FIR नंबर 200/23 थाना चचरौली, और इसकी पोजीशन से 115 ग्राम हीरोइन इस रिकवर हुई है, जो मतलब जो उस एरिया में ये नशे का जो कारोबार था उसको नशे बेचने का कार्य कर रहा था, इसको गिरफ्तार किया है। अभी इसे प्रिलिमिनरी जो इंटरोगेशन है, पूछताछ जारी है। आज इसको माननीय न्यायालय में पेश करके हम 2 दिन का रिमांड इसका माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे। फैमिली हिस्ट्री, अभी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हम चेक करा रहे हैं, जो इनिशियल फैमिली हिस्ट्री में पता लगा इसका भाई एक मर्डर केस में भी अरेस्टेड है, वो एक सेपरेट केस वहाँ पर रजिस्टर है। इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं वो हम एक बार रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, और जहाँ तक प्रारंभिक पूछताछ में है, लगभग 6-7 महीने से ये नशे का कारोबार अभी इसने शुरू किया था, और उसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कल इसको 115 ग्राम हीरोइन के साथ अरेस्ट किया। तो साथियों, आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव ज़रूर दें, और ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।